ઉમરગામ ખાતે રોકટેક ક્લબનો પદગ્રહણ સમારોહ હોટલ લેન્ડમાર્ક યોજવામાં આવ્યો હતો. ઉમરગામ તાલુકામાં યુવાનોને સેવાકીય ક્ષેત્રે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડી જાહેર જીવનમાં સફળ કારકિર્દીના ઘડતર માટે મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર એવા રોકટેક ક્લબ ઓફ ઉમરગામ નવા પ્રમુખ તરીકે કૃણાલ મહેતા અને સેક્રેટરી તરીકે રવિ ચૌહાણની વરણી કરવામાં આવી છે. The office of your post name of Rotary Club of Umargaon and shall do my best to keep up the decorum of our Rotary movement. First of all, heartiest thanks to each and everyone present over here for this special occasion. It means a lot to me and my team for the Rotary year 1920. As you all know, Rotary Club of Umargaon has always been one of the finest club in our district. This year, with DRR from our own club, it makes the year more special. It's an honor to be serving as a president for this exciting year. I would also like to extend my words of gratitude towards our parent Rotary, Innerville Club and Interact Club for always being supportive and mentoring us whenever needed. I would also like to thank our family members for the support. Team, we will have lots of great and exciting events planned this year. ये एक चौरस बर्तन के अंदर 30 इंच तक आप पानी भरो, ऊपर से गिरते हैं, कितना पानी गिरा है इन 7 दिन के अंदर, यानी करीबन 1000 लीटर. उमरगाम के अंदर करीबन 100 इंच बारिश, यानी 3000 लीटर तक के लेवल तक आप पानी भर सको. 1 मीटर बाय 1 मीटर के जमीन के टुकड़े पे इतना पानी भर सकते हो, और अगर इतना पानी भर सकते हो तो उमरगाम का एरिया कितना है. आप छोटे छोटे तालाब बनाओ, छोटे छोटे अपने घर के अंदर साइड के ऊपर गड्ढे करके पानी को जमा करो, वाटर हार्वेस्टिंग करो और बोरवेल रिचार्ज करो. आज की तारीख में मैं लकड़े का काम छोड़ के बोरवेल रिचार्ज करने के काम के ऊपर लगा हूं. यानी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए भी तो उसके लिए आप मुझे मेरा संपर्क कर सकते हैं. आज की तारीख में हम फैक्ट्री के अंदर करीबन 75 लाख लीटर पानी का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कर रहे हैं. यानी मेरा पानी का जरूरत अगर कंपनी का रोज का लाख लीटर है तो मुझे 75 दिन तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी. और वो इतना पानी साथ में मैं जमीन के अंदर उतार दूंगा, यानी ग्राउंड भी रिचार्ज होगी. आप भी सोचो, नाउ टुडे वी हैव टू वर्क ऑन वाटर मैनेजमेंट. नहीं तो एक बात ख्याल रखो कि अगली वर्ल्ड वॉर पानी के लिए, जमीन के लिए नहीं होगी, पानी के लिए होगी. पानी बचाओ. आप अपने दोस्तों को, अपने आसपास वालों को एजुकेट करो कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं और इस पानी के माध्यम से हम लोगों की जिंदगी बचाएं. नॉर्थ इंडिया के अंदर पानी का लेवल बहुत नीचे गिर गया है और वो गिरा हुआ लेवल आहिस्ता आहिस्ता हमारी ओर आता है, क्योंकि हम समंदर में बैठे हैं. जो भी पानी आता है, हमारा पानी तो समंदर में चले.